माँ भुवनेश्वर होती साक्षात लक्ष्मी, माँ भुवनेश्वर होती साक्षात गायत्री, माँ भुवनेश्वर होती साक्षात शारदा, शारदा माने से हेले सरस्वती। तेणु से मंदिर को पसंद सी आज्ञा विशालकाय मूर्ति हस हस मुख प्रधान दया परवशकारी आनंद सहकारी आशीर्वाद मुद्रा रे बसिंट दुई हाथ में दुईट पद्म फूल धरी एवं से मंदिर को जीवा पूर्व नाट मंदिर पशि जातु पशिगला बाँ पटे देखिए आप मंदिर भितर चतुर्पाश्वर बुली आसवे जो देवी जड़े से नाती जगार जड़े देवी अच्छा से माँ सरस्वती बा माँ शारदा माँ शारदा जीए माँ सरस्वती सीए माँ सरस्वती केवल से ही गोटे जगार बस छोट मंदिर दुईटा बाँ पट को माँ को पाख को जीवा पूर्व बाँ पट को टिके बुली पड़े आगे अच्छा माँ शारदा ता पच्ची साइड को अच्छा नृसिंह नृसिंह आज्ञा आम मंदिर आम चतुर्पाश्वर बहु नृसिंह अच्छा अनेक नृसिंह आ भितर रही सबू नृसिंह ना अलग अलग से नृसिंह है शारदा नृसिंह से माँ शारदा पाखे बस शारदा स्वामी हिसाब से बस तेणु से शारदा माँ शारदा नृसिंह एवं से शारदा नृसिंह शारदा नृसिंह को दर्शन करेंगे दर्शन कर सारापर माँ को दर्शन करेंगे स्मरण करेंगे माँ सरस्वती सी केवल गोटे जगार मंदिर भितर जिते आड़े बुली आस सरस्वती कुआडे पाइबे से सरस्वती अच्छा छोट मूर्ति भाव में अच्छा से सरस्वती पाखे ठिया छेड़ा टिके हे ढाई जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा श्वेत पद्मासना जा बीणा बरदंड मंडित करा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी दिव्य सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष हो जाड्यापहा ये मंत्र टिके महा माँ को टिके स्मरण करेंगे माँ हेले विद्या दायिनी पिला छुआंकर पाठपढ़ा हो निजर पाठपढ़ा हो इष्ट देव हेले से विद्यादात्री गीत गाउचंती आज्ञा महाप्रभु को भजन बहुत लोक गाउचंती चांको मध्यर कहंती तो गलार सरस्वती बसिंटी अर्थात से संगीतर मध्य से हेले अधिष्ठाती देवी तेणु संगीत गाइवा काम हो पाठपढ़ा काम हो जो थे आप शुभारंभ करेंगे टी माँ को स्मरण करेंगे यही मंत्र टी शिखिले गाईदेवे माँ का पाखे निश्चित भाव में माँ आपण कथा शुणे एवं आपण संतान कथा बुझे एवं बुझी सारापुर आप भर को पशे आप कि समय पूर्व मुझी भितर को पशिया प्रत्येक देवी मंदिर भितर को पशिला बेलू हाथ दुईट बंध उपर को टेकबे बंध उपर निश्चित भाव जी जड़े बस शिव से शिवंर पाद तले टे हाथ लगे नमस्कार करी भितर को पशे माँ पूरा ध्यान मुद्रा रे बस हस हस मुख चंद्र सूर्य बाम पाख चक्षु है सूर्य दक्षिण पाख चक्षु है चंद्र मझीर एक नयन अच्छी मझी नयन है अग्नि ताको दर्शन करूँ बहुत उल्लासित मन आज्ञा मुख से भुवनेश्वरी देवी माँ शारदा देवी माँ गायत्री देवी माँ सावित्री देवी जो ये सबू रूप हेले सी किंभूत किमाकार रूप चंदन बेष्टित रूप झट झट दुशु थाए चंदन सज्जित होती सुवर्ण अलंकार सुसज्जित होती दर्शन करूँ शरणापन्न हूँ शरणापन्न आपंक से आशीर्वाद करेंगे आशीर्वाद नहीं आपण जीवन मंगलमय काम करें मंगल हम आपणकर माँ को दर्शन कर माँ का पाखे आप बस जिते प्रकार ध्यान स्तुति जो माँ का दर्शन पीठ सब मुझी से माँ का पीठ गुड़ा जिते बड़े जाऊे सबु मंदिर आम सनातन संस्कृति में गोटे जिनस मंदिर सम्मुख में नाटमंडप नाटमंडपर माने कौन बुझंतु आज्ञा प्रत्येक मंदिर सम्मुखें नाटमंडप गोटे कराई था छोट मंदिरटा होता बड़ मंदिर होता है नाटमंडपर काम है आपण महाप्रभु को दर्शन करूँ माँ को दर्शन करूँ जहाँ को दर्शन करूँ दर्शन करके आसला बेले से नाटमंडप बसवे आज्ञा नाटमंडप बस जहाँ आप दर्शन कले चिंतन करूँ टे चिंता करेंगे बसिकी महाप्रभु कौन कौन मुझे दर्शन कली कौन कौन अच्छी से माँ को कौन कौन दर्शन कली आज से बसिले आप स्मृति में से रेखा होकर रही आप चिरदिन से कथा को मन रखिपर ना मुठी कहीदेली आपड़ आसिले दर्शन कले बहुत देवादेवी अच्छा भितर को आगे कही भितर को पशिले 95 रु अधिक मंदिर अच्छी महाप्रभु मंदिर छाड़ी तेणु 95टा कथा आप मन रखिपर तेणु से बाहर बाहर की पलैले भूलीगले मो कह भी व्यर्थ आपण को बुलवा भी व्यर्थ आपण शुणा भी व्यर्थ तेणु नियम है आप पशे भितर को दर्शन करेंगे दर्शन कर सारे
ଆପଣ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଟିକେ ବସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି ବସିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆମ ମା ମାନଙ୍କର ବା ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଟିକେ ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା। ନା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇଠାରେ ହୁଏ, ଉନ୍ମାଦ ନୃତ୍ୟ ସେଠି ହୁଏ, ନାଚନ୍ତି ଲୋକ, ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି, ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକରି ସେଠି ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଯବନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ବହୁତ ବହୁତ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଅନ୍ତରକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ପ୍ରଣାମ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମୁଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବିଚିତ୍ର ବିଧି। ଏଠି ହାତ ଦୁଇଟି ଉପରକୁ ଟେକିକିରି ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସମର୍ପଣ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆପଣ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ସବୁ କହିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଉପରକୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର। 144 ଜାରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଟେକିକି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଏଇ ବେଢ଼ାପୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟର ଇସାରା ହେଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲାଉଛୁ, ଦେଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଯେ ସମୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଜିକାର ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ପାଖରୁ ଆଉ ନୂତନ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ତ ସମୟରେ ଇସାରା ଆସିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।